मूवी की शुरुआत में हम क्लाइव, पॉल और हार्वे को देखते हैं जो अपने ट्रक पर अफ्रीका के रेगिस्तान में रिसर्च के लिए आए होते हैं। तीनों व्यक्ति एक ऐसी कंपनी के लिए काम करते हैं जो कि रेगिस्तान में डायमंड ढूंढ कर निकालती है। इस जगह पर दूर दूर तक कोई सुविधा नहीं होती, जिसके कारण यहाँ डायमंड निकालना और सर्वाइव करना नामुमकिन होता है। तीनों अपने ट्रक में बैठे कहीं जा रहे होते हैं, तभी बीच रास्ते में अचानक उन्हें एक बड़ा पत्थर जैसा कुछ दिखाई देता है। उनमें से एक व्यक्ति उस पत्थर को तोड़कर उनमें से छेद करता है, ये चेक करने के लिए कि उसमें क्या है। तभी अचानक उनमें से अनजान सी चीज उस व्यक्ति पर हमला कर देती है और देखते ही देखते वो तीनों व्यक्तियों की जान ले लेती है। इसके बाद हम एक वैज्ञानिक व्यक्ति जैक को देखते हैं जो कि ब्रिटिश कोलंबिया की लैब में काम कर रहा होता है। अचानक सिस्टम में गड़बड़ हो जाती है और टेम्परेचर -100 तक पहुंच जाता है। जैक अपनी कोडिंग स्किल्स के द्वारा उन लोगों की जान बचा लेता है। इसके बाद इस लैब का ऑनर जैक को कुछ लोगों की जान बचाने के लिए एक नए मिशन पर भेजता है। अगले सीन में हम जैक को अफ्रीका में उसी रेगिस्तान में देखते हैं जहां उस टीम पर हमला हुआ था। जैक को उस टीम को खोजने और डायमंड निकालने की जॉब दी जाती है। इसके बाद कंपनी का मेंबर कॉल उसे लेने के लिए आता है और बेस तक पहुंचते ही जैक मिकी और जोहान से मिलता है। मिकी जैक के पासपोर्ट, आईडी कार्ड और सामान को चेक करती है और इसके सामान में से उसे मशीन मिलती है जो जमीन से 100 फुट तक पानी को देख सकती है। इस मशीन को देखकर मिकी काफी इम्प्रेस होती है। इसके बाद मिकी अपनी डायरी ढूंढने लगती है, जैसे जोहान चुपके से अपनी पैंट में दबा लेता है। इतने में कॉल वहां आ जाती है और जोहान से भिड़ने लगता है और इसकी धुलाई करता है। मिकी अपनी डायरी लेकर जैक के साथ उस मिशन पर निकल जाती है। मिकी जैक को बताती है कि वो रिसर्च सेंटर यहाँ से 16 घंटे दूर है। दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपने साथ एक्स्ट्रा फ्यूल भी लेकर जाते हैं। कुछ समय बाद वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें उस टीम का ट्रक दिखाई देता है और वहीं पर उन्हें 2 डेड बॉडीज भी दिखाई देती है जिनकी हड्डियों पर मांस नहीं होता। चेक करने पर टीम को पता चलता है कि उन्हीं के आदमी है। ये देखते ही मिकी सभी लोगों को बताती है कि उन्हें बेस को इन्फॉर्म करना होगा, लेकिन कॉल कहता है कि यहाँ पर दाल में कुछ काला है। उसे लगता है कि तीसरे व्यक्ति ने उन दोनों की जान ली है जिसकी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है। इसके बाद सभी लोग सोचने लगते हैं कि उन व्यक्तियों को मरे हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं, लेकिन उनकी बॉडी इतनी जल्दी डिकम्पोज कैसे हो गई? तभी टाइटस को किसी के कदमों के निशान दिखाई देते हैं। वो सभी लोगों को बुलाता है। इसके बाद टीम उन बड़े बड़े कदमों के निशानों का पीछा करने लगती है और तभी बीच रास्ते में कदमों के निशान 2 से 4 हो जाते हैं। जैक की मशीन भी संकेत देती है और वो भी इस बात को कन्फर्म करता है कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है। इसके बाद टाइटस उस बूढ़े आदमी का दिया हुआ लॉकेट देखता है जो वहाँ लटकी हुई खोपड़ियों से मेल खा रहा होता है। ये देखते ही टाइटस काफी ज्यादा डर जाता है और सभी लोगों को यहाँ से वापस जाने को कहता है। उसी समय मेघरा ट्रक लेकर आती है और सभी लोग इसमें बैठकर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। कॉल बेस में फोन करता है कि एक फॉरेंसिक टीम को यहाँ पर भेजा जाए और हार्वे को तलाशा जा सके। कुछ समय बाद उन्हें फिर से एक कंकाल मिलता है। सभी लोगों को लगता है कि ये हार्वे का कंकाल है और उसे देखकर मालूम होता है कि मरने से पहले वो काफी ज्यादा तड़पा होगा। कॉल कहता है कि ये सब कुछ हार्वे का ही किया धरा है। अगले सीन में हमें रात का समय दिखाया जाता है। सभी लोग वहाँ कैंप लगाकर आराम करने लगते हैं, लेकिन जैक को नींद नहीं आती क्योंकि उसने दिन में जो डेड बॉडीज देखी थी वो तस्वीरें उसके सामने बार बार आने लगती हैं। वो कैंप से थोड़ा दूर जाकर रेत पर स्केटिंग करने लगता है। इसके बाद जैक की मशीन की आवाज़ सुनकर मिकी भी वहाँ आ जाती है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ काफी अटैच हो जाते हैं। जैक मन ही मन में मिकी को पसंद करने लगता है। मशीन के स्कैन के अनुसार वो क्रीचर कहीं आसपास ही होता है, लेकिन वो दोनों इस पर ध्यान नहीं देते। इसके बाद मिकी वापस कैंप में चली आती है, लेकिन जैक वहीं पर बैठा रहता है। तभी अचानक उसकी मशीन पर बहुत हाई रीडिंग्स देखने को मिलती है। इसका मतलब होता है कि वो क्रीचर इसके बिल्कुल पास आ चुका है। फिर हम देखते हैं कि वो क्रीचर जैक के बिल्कुल पास आ जाता है। जैक इस क्रीचर को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो इसे दूर भागकर कैंप की ओर भागता है और सभी लोगों को इस बारे में संतरिक करता है। कॉल टॉर्च की लाइट से उस क्रीचर को देखने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। कॉल जैक पर यकीन नहीं करता और इसके साथ बुरा बिहेव करता है, जिस पर जैक भी उससे लड़ने लगता है। तभी मिकी सभी लोगों को बताती है कि उनकी टीम मेंबर्स के कंकाल गायब हो चुके हैं। टाइटस सभी लोगों को बताता है कि यहाँ पर एक मौत की देवी का वास है जो इंसानों का खून पीकर अमर होना चाहती है और ये क्वीन यहाँ पर सदियों से है, यानी के डायनासोर के जमाने से भी पहले से है। अगले दिन सभी लोग जैक की मशीन पर भरोसा करके आगे की ओर बढ़ते हैं ताकि उस क्रीचर का सर्वनाश कर सके। उन्हें फिर से बड़े कदमों के निशान मिलते हैं। क्रीचर कहीं आसपास ही होता है। इसके बाद जैक दूरबीन से उस क्रीचर को देखता है और उस पर गन से निशाना लगाता है। जैसे ही वो इस पर फायर करता है तो वो टुकड़ों में बिखर जाता है। टीम जैसे ही लोकेशन पर पहुंचती है तो उन्हें कुछ नहीं मिलता सिवाय अपने ही टीम मेंबर्स की उन पुरानी हड्डियों के। कॉल को ये यकीन हो जाता है कि उसने क्रीचर को खत्म कर दिया है, लेकिन टाइटस सभी लोगों से कहता है कि वो अभी भी जिंदा है
और ऐसा करने से हम लोगों ने स्क्वीन को और भी ज्यादा भड़का दिया है, जिसका बदला वो जरूर लेगी। टाइटस बताता है कि अपनी जवानी के समय उसके दोस्त ने इस क्रिएचर पर गोलियां बरसाई थी और उसकी हालत भी ऐसी ही हो गई थी जैसे कि उनके टीम मेंबर्स की हो गई है। इसके बाद सभी लोग ट्रक में बैठकर वापस जाने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक ट्रक में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और फ्यूल टैंक में आग लग जाती है, जिसके कारण ट्रक नाकारा हो जाता है। कर्ट सभी लोगों को बताता है कि ये ट्रक बेकार हो चुका है और अब वो आगे नहीं जा सकते और इसे रिपेयर करने में महीनों लग जाएंगे, जिसके कारण हमें बेस से दूसरा ट्रक मंगवाना होगा। मिकी बेस से संपर्क करने की कोशिश करती है लेकिन उसे जवाब नहीं मिलता। थोड़े समय बाद एक प्लेन उनके ऊपर से गुजरता है, सभी लोग चलाकर उसे आकर्षित करने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं और वो जहाज उनसे दूर निकल जाता है। अब यहाँ रुकने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं होता। मेगरा सभी लोगों को बताती है कि हमारे पास काफी दिनों का राशन पानी है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, इतने समय में शायद हमें कोई मदद मिल जाएगी। सभी लोग मेगरा की बात मान जाते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि टीम मेंबर्स को रहते हुए यहाँ पर 3 दिन गुजर चुके होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कर्ट रात के पहरेदारी करने के बाद टाइटस को जगाने के लिए आता है। टाइटस पहरेदारी करने लगता है और कर्ट खुले में ही स्लीपिंग बैग पहनकर सो जाता है। तभी अचानक टाइटस को एक आवाज सुनाई देती है, जैसे ही वो कर्ट की ओर बढ़ता है और इसे पलटकर देखता है तो क्रीचर ने इस पर हमला कर रखा होता है और इसके चेहरे को आहिस्ता आहिस्ता चबाने लगता है और इसका पूरा शरीर उस क्रीचर के द्वारा इन्फेक्टेड हो जाता है और कर्ट को कंगाल दिखने लगता है। ये देखते ही टाइटस सभी लोगों को बुलाता है। कॉल इस क्रीचर को शूट करता है लेकिन तभी अचानक टाइटस का हाथ भी इन्फेक्टेड हो जाता है और वे क्रीचर धीमक की तरह टीम मेंबर्स की ओर बढ़ने लगता है। कॉल इस क्रीचर पर गोलियां बरसाता है जिससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी लोग कॉल को ऐसा करने से रोकते हैं लेकिन कॉल बार बार उस पर गोलियां बरसाता रहता है क्योंकि इस क्रीचर ने कर्ट के कंकाल को इस्तेमाल करके एक भयानक रूप ले लिया होता है। कॉल रुकने का नाम नहीं लेता और गाड़ी के पेट्रोल को निकालकर इस पर छिड़कने लगता है। जैसे ही वो थोड़ा दूर जाता है, मेगरा कॉल को ऐसा करने से रोकती है पर वो इस क्रीचर का निशाना बन जाती है। इसके बाद जैक कॉल को बताता है कि उसे रुक जाना चाहिए क्योंकि क्रीचर अब दूर भाग रहा है। सभी लोगों को इस क्रीचर की कमजोरी पता चल जाती है और वो ट्रक के चारों ओर पेट्रोल छिड़क देते हैं ताकि क्रीचर उनके करीब ना आ सके। अगले दिन जैक कॉल और मिकी बेस की ओर पैदल बढ़ने लगते हैं क्योंकि सभी लोग मारे जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते रात हो जाती है और तीनों एक पेड़ के सहारे बैठकर अपने आसपास पेट्रोल का घेराव बनाकर बैठ जाते हैं। तभी अचानक वो क्रीचर भयानक से रूप में उनके सामने आता है। इस बार इस क्रीचर ने मेगरा का चेहरा पहन रखा होता है जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो क्रीचर पेट्रोल की रेखा को पार नहीं कर पाता। सुबह होते ही उनका रेडियो बजने लगता है और सिग्नल वापस आ जाते हैं और वो फौरन बेस से हेल्प मांगते हैं और इसके बाद आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें वही बड़ा सारा गोल पत्थर दिखने लगता है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। सभी लोग इसके अंदर एंटर हो जाते हैं जहां पर उन्हें कुछ अजीब सा पदार्थ मिलता है। सभी लोगों को बताता है कि ये क्रीचर वास्तव में चींटियों की प्रजाति थी जो अपग्रेड होकर एक भयानक क्रीचर बन चुकी है। कुछ समय बाद बेस से जुहान वहाँ आ जाता है और बाकी लोगों के कंकाल देखकर उसे लगता है कि टीम मेंबर्स ने डायमंड की लालच में अपने ही लोगों को मार दिया है। जुहान उनकी बातों पर यकीन नहीं करता और उन्हें हथकड़ियां लगाकर ट्रक के पीछे बिठाकर बेस ले जाने लगता है। इसके बाद कॉल पिछली विंडो को लात मारकर जुहान को बेहोश कर देता है और उसे हथकड़ियां लगाकर ट्रक के पीछे बिठा देता है। सभी लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और इस बार इस क्रीचर को मारने का प्लान बनाने लगते हैं। मिकी सभी लोगों को बताती है कि वो क्रीचर रात के समय छुप जाता है और यहाँ पर छुपने की सिर्फ एक ही जगह हो सकती है जो जमीन के नीचे बनी हुई पुरानी बेसमेंट होती है। इसके बाद सभी लोग इस पुरानी बेसमेंट में एंटर हो जाते हैं जिसकी खबर उस क्रीचर को हो जाती है और वो कॉल पर हमला करता है जिससे कॉल के ऊपर एक पिलर गिर जाता है और वो घायल हो जाता है। वो क्रीचर कॉल की जान देने ही वाला होता है कि जैक फायर करके उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। इसके बाद वो क्रीचर उसका पीछा करने लगता है। जैक चलाकी से उस क्रीचर को एक गड्ढे में गिराने में सफल हो जाता है और मिकी जुहान को सहारा देकर खड़ा करती है। जान बचाने पर जुहान जैक को थैंक्स बोलता है, तभी अचानक वो क्रीचर गड्ढे से निकलकर जुहान की टांग पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचने लगता है। जैक और मिकी जुहान को वापस ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं लेकिन वो क्रीचर काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। जुहान अपनी जेब से लिक्विड एक्सप्लोसिव निकालकर दिखाता है और मिकी और जैक से अपना हाथ छुड़वा लेता है ताकि इस क्रीचर को हमेशा के लिए नष्ट कर सके। कॉल अपने साथ इस क्रीचर को लिक्विड एक्सप्लोसिव के द्वारा उड़ा देता है। जैक और मिकी वहां से दूर निकल जाते हैं और तभी रास्ते में जैक को उस क्वीन के अंडे दिखाई देते हैं। जैक अपने दोस्तों की मौत को याद करके काफी गुस्से में आ जाता है और उस एग को डिस्ट्रॉय कर देता है।
ऐसा करते ही वो सारे क्रीचर मरने लगते हैं और वो खंडर भी टूटने लगता है। पर ठीक समय पर जैक और मिकी वहाँ से बाहर निकल आते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिकी जैक को छोड़कर किसी ट्रिप पर जाने वाली होती है। जैक उसे अलविदा कहता है, पर तभी हम देखते हैं कि मिकी ने अपनी गाड़ी के अंदर उस क्वीन के आखिरी बच्चे एग को बचा रखा होता है, जिस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो उसे दूर ले जा रही होती है। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।